Hello friends, I'm Dr. Manisha Mittal, gynec cosmetologist and trained esthetician. आज मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जिससे हम घर पे एक्ने को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हम सबसे गलत काम करते हैं वो ये है कि हम जनरल किसी भी पब्लिक मार्केट से कोई भी चीज़ लेके अपने फेस पे लगाने लग जाते हैं, जिससे रिएक्शनरी एक्ने भी हो सकता है। एक्ने सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हम अपने स्किन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं या हम ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, एक्ने इसलिए भी होता है हम गलत चीज़ें लगा रहे हैं। तो एक्ने क्यों होता है? सबसे पहले जो हमारी स्किन है उसकी डेड लेयर्स अपने ऊपर पाइल अप होती रहती हैं और जो उसके नीचे ग्लैंड्स हैं वो इकट्ठे अपनी सिक्रीशंस कर लेते हैं, जिसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको हम एक्ने कहते हैं। तो सबसे पहले उसको फोड़ना नहीं है हाथ से, जिसके कारण उसके पोर्स खुल जाते हैं और उसके ऊपर और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने लग जाती हैं। सो, सबसे पहले उसको फोड़िए नहीं, उसको अपनी स्किन को क्लीन रखिए, उसको एक सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश के साथ क्लीन करके रखिए और क्लीन करने के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर जिसमें ऑयल कंटेंट कम हो उससे अपने आप स्किन को सील कीजिए। लेस ऑयली helps in few cases but not in everyone. So simple cleaning will help you a lot. आजकल मार्केट में एक्ने पैचेस आए हुए हैं। अगर आपके स्मॉल पिंपल्स निकलते हैं फ्रीक्वेंटली, नाइट में आप उसके ऊपर एक छोटा सा पैच लगा के रखिए एंड मॉर्निंग में उसकी इन्फ्लेमेशन काफ़ी कम हो जाती है। सो घर पे हम और क्या कर सकते हैं? एक हम छोटा सा पैक बना सकते हैं, H2O2 पेरोक्साइड होता है, जो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है बाहर से, बट ये बहुत हाई कंसंट्रेशन में होता है। सो उसको हल्के से डाइल्यूट कर लीजिए वाटर से एंड दैट यू कैन मिक्स विद हनी और योगर्ट, दही के साथ मिक्स करके अपने फेस पे लगा के उसको वॉश कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं कीजिए बिकॉज स्क्रबिंग से उस टाइम एक्ने और इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। थैंक यू।